بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ आई एम उमर बिन अभी एंड यू आर वाचिंग माय लिंग्विस्टिक्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट 250 इम्पोर्टेंट फ्रेजेस फॉर एकेडमिक स्पीकिंग इन दिस वीडियो आई स्पीक ओनली इन उर्दू इफ यू वांट वांट टू वॉच दिस सेम वीडियो इन इंग्लिश सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो तो हम देखेंगे कि 250 ऐसे फ्रेजेस जो कि इंग्लिश फॉर एक्डेमिक स्पीकिंग में यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फ्रेज़िज़ हैं ठीक है तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये टू हंड्रेड फिफ्टी फ्रेजिज़ आए कहाँ से हैं कैसे कलेक्ट किए गए हैं तो ऑक्सफोर्ड कापस ऑफ इंग्लिश ये जो कापस है ये 71 मिलियन वर्ड कलेक्शन है इसकी यानी इस कॉपस में सेवेंटी वन मिलियन वर्ड्स हैं ठीक है, है? यानी बहुत जो है वो बड़ी अमाउंट है और ये कॉपस कलेक्ट कैसे किया गया ये बनाया कैसे गया इसमें जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो टेक्स्ट पब्लिश करती है इन फोर डिसिप्लेंस में फ़िज़िकल साइंस लाइफ साइंसिस सोशल साइंसिस आर्ट्स एंड ह्यूमनिटीज़ इन फोर डिसप्लिन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो टेक्स्ट पब्लिश करती है उन टेक्स्ट को कलेक्ट किया गया और उनका कॉपस बनाया गया जिसकी अब तक अमाउंट है सेवेंटी वन मिलियन वर्ड और उनमें फिर ये देखा गया कि कौन से टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ऐसे फ्रेजिज़ हैं स्पीकिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ठीक है रिव्यूज तो माइकल मकासी जो इमरिटस प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नटिंगम यूके में ठीक है और ये अपनी फील्ड में बहुत बहुत माहिर हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है कि ओ पी एल ऑक्सफोर्ड फ्रेजल एक्डेमिक लक्सिकॉन रिस्पॉन्ड्स टू द रियलिस्टिक नीड्स ऑफ कोर्सिस एंड क्लास विच टिपिकली मिक्स अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स पापुलेशन यानी उन्होंने कहा कि ये एक तो जो रियल रियलिस्टिक वो कैबुलरी है रियलिस्टिक जो नीड्स हैं स्टूडेंट्स की वो इससे पूरी हो जाती हैं और बेशक वो इन चारों डिसप्लन में किसी डिसिप्लिन से भी हों जा जो चारों डिसप्लिन है लाइफ साइंसिस सोशल साइंस फ़िज़िकल साइंसिस आर्ट्स एंड ह्यूमनिटीज इन ये तो ब्रॉडर टर्म्स हैं इन में हमारी वो सारे साइंसिस और सारे सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट जो हैं वो आ जाते हैं अच्छा इसी पे ओ पी एल जो है इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ तीन उनका भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा इम्पोर्टेंट फ्रेजिज फॉर एक्डेमिक राइटिंग सिक्स हंड्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज फॉर एक्डेमिक स्पीकिंग इस वीडियो में हम फ्रेजिज़ की बात कर रहे हैं सिंगल वर्ड्स की बात नहीं कर रहे और ट्वेल्व हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एक्डेमिक राइटिंग फ्रेज़ जो होते हैं फ्रेजिज़ हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है जो कि इकट्ठे यूज़ होते हैं ऐसे वर्ड्स जो इकट्ठे यूज होते हैं या उनका रिलेशन इस तरह का होता है आपस में ठीक है अब मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूँ जहाँ से आप ये तीनों भी और जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं जो टू हंड्रेड फिफ्टी इम्पोर्टेंट फ्रेजिज फॉर एक्डेमिक स्पीकिंग जो हैं उनको भी आप फ्रीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप उसकी किसी भी वर्ड की एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से वो वर्ड जो है वो सही तरह याद हो सकता है तो ये वेबसाइट है ओ पी ए एल ऑक्सफोर्ड फ्रेजल एक्टेमिक गलेक्सिकॉन जिसका मैंने लिंक जो है वो ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में अच्छा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने फ़िल्टर में जाना है जब आप फ़िल्टर में देखेंगे इधर डिक्शनरी याकडेमिक इंग्लिश को ही आपने सेलेक्ट करना है इधर जो पहले से ऑप्शन होगा वो होगा रिटर्न वर्ड्स का जो कि हम पहले ही देख चुके हैं इस पर आपने क्लिक करना है और अब क्योंकि हम स्पोकन फ्रेजेस को देखने जा रहे हैं तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑल और इसमें सिक्सटीन फंक्शनल लिस्ट हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक लिस्ट को ही देखें ठीक है किसी एक लिस्ट को ही देखें तो आप वो वाली लिस्ट सिर्फ सेलेक्ट कर लें और उनके वर्ड्स ही आपको फिर इधर ऑनलाइन शो होंगे आ, और अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सब जो है वो यानी एडिंग के लिए हम कौन से वर्ड यूज़ कर फ्रेजिज़ यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के लिए कौन से यूज़ करते हैं तो ये उस लिहाज से सिक्सटीन फंक्शनल लिस्ट बना दी गई है यानी टॉपिक वाइज जो हम कहते हैं वो कैबुलरी वो इसमें मौजूद है ठीक है अब आप डन करेंगे तो ये जो है इधर वो स्पोकन फ्रेज़ शो हो जाएंगी कुछ देर में ठीक है तो अब ये हो गई हैं अब आप किसी भी जो है वो फ्रेज़ पर क्लिक करें तो आपको जो है वो इसकी इग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मिल जाएंगी सेवरल एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी फिर आपको इसकी डिफ़रेंट सेंसेस भी मिल जाएंगी वन टू थ्री फोर या किस किन किन सेंसेस में किन किन एरियाज़ में किन किन अब देखें जैसे मैं बात कर रहा था कि हर एक के लिए ये इम्पोर्टेंट है ठीक है तो देखें अब ये बताया कि मैथमेटिक्स में जो है ये वाला फ्रेज़ किस तरह यूज़ होता है ठीक है फिर ये स्पेशलिस्ट वोकेबलरीरी भी है यानी एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द करंट पासिस थ्रू तो इस तरह आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी आप किसी भी वर्ड को जो है वो सुन भी सकते हैं आइदर इन ब्रिटिश इंग्लिश और See इन अमेरिकन इंग्लिश ठीक हो गया तो ये जो है वो इस तरह आप जो है वो एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं अगर आप ऑक्सफर्ड यूनिवर्स ऑक्सफर्ड एडवांस डिक्शनरी परचेज करते हैं बुक फॉर्म में तो आपको उसके साथ एक डीवीडी भी मिलती है आमतौर पर और उसे आप ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में या फिर आप यही डिक्शनरी जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं सॉरी अब हम जो है वो आ, उसी पेज पर दोबारा आ गया अब हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और इधर से हमने डाउनलोड करना है फ़िलहाल ऑफ ओ पी एल स्पोकन फ्रेजेस आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी मैं ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं आपको जो है वो वही दिखा देता हूँ ठीक है तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट अ मिनट मैं वो वाली ही जिस जो मैंने अभी उस पर बनाई है ठीक है तो ये वो लिस्ट है ठीक है और इसमें जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है द ऑक्सफोर्ड फ्रेजल एकेडमिक लेक्सिकॉन इज़ अ सेट ऑफ फोर वर्ल्ड लिस्ट दैट टुगेदर प्रोवाइड एन एसेंशियल गाइड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू नो इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश फॉर एकेडमिक एक्डेमिकपजिज दिस लिस्ट गिव्स अराउंड 250 हंड्रेड फ्रेजेस फॉर एकेडमिक स्पीकिंग ग्रुप्ड इन टू सिक्सटीन फंक्शनल एरियाज अब आप देख सकते हैं कि साइन पोस्टिंग के लिए ड्राॅइंग uh, अटेंशन के लिए ठीक है क्लैरिफाइंग के लिए एडिंग के लिए जैसे हम कहते हैं एज वेल एज एंड सो ऑन एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट ठीक है एट्सेट्रा ठीक है एज अ रिजल्ट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और फ्रेजेस नहीं हैं लेकिन एकेडमिक स्पीकिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं और जैसे मैंने कहा कि इसका इन फ्रेजेस को जो 250 फ्रेजेस हैं इनको अगर आप अच्छी तरह इन इनका यूज़ सीख लेते हैं तो आपको किसी भी जब आप किसी इंग्लिश कंट्री में लेक्चर लेंगे या टीचर को सुनेंगे तो आपके लिए वो जो है आसानी हो जाएगी ठीक है तो ये थी आज की वीडियो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और उस पर जो है वो मैंने तकरीबन अब तक 400 से ज़्यादा वीडियोस जो है वो मैं लिंग्विस्टिक्स पर भी बना चुका हूँ ठीक है वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है तो बाकी वीडियोस भी आप देखिएगा और अपने फीडबैक से जो है वो ज़रूर आगा करिएगा डोंट फ्राइट टू गिव योर फीडबैक रिमेंबर इन योर प्रेयर्स जजाक थैंक यू